इतना तो मलिक साहब और जिया भाई घर में भी नहीं सोते होंगे। पुल है वो पानी के साथ बह गया जिसकी वजह से यहाँ पे ये इशू आया। बारिश होती है तो पानी ज्यादा आता है, तुम्हें पता है क्यों जी? जब पानी ज्यादा आता है तो फिर ये पुल चला जाता है। पत्थल बाजार में आपको एटीएम की सहूलत मयसर होगी, यहाँ से आप पैसा निकाल सकते हैं, 25 दिन में पैसा डबल कर सकते हैं। यहाँ से नहीं वो अच्छा क्या जी जैसा आ गई ना जी फिर चाहत सी है जाए आहट सी है ये तेरी मुझको सताए अच्छा अभी व्यू चेक करें। फॉर मी दिस इन दिस ट्रिप कुमराट दिस इज द बेस्ट। दिस इज कुमराट फॉर यू बेबी। वाओ ये बादल चेक कर यार माशाल्लाह। ये जी इन भाई साहब के मुताबिक ये प्योर शहद है, चेक करें माशाल्लाह लगता तो फिट है यार। और किसी भाई को सलाजीत जरूरत हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें आगाह करें, मैं इधर से लेता हुआ आऊंगा। क्या हूँ जी कुमराट की जो मैंने पिक्चर हमेशा देखी है ना, ऑलवेज फैसिनेटेड कि मैं यहाँ आऊंगा और तो कोई हैमक लगाऊंगा। वो जगह है जहाँ पे मसला ये हुआ है पानी की वजह से पुल खराब हो गया और ये एक्सीवेटर वगैरह लगे हुए हैं रास्ता सही करने में, लेकिन रास्ता काफ़ी ख़राब है जैसे कि देख सकते हैं। काफ़ी बारिश हुई रात को शायद इस वजह से मे भी, पर मोस्टली यहाँ पे पानी का इशू आता रहता है। ये बरसाती नाले हैं जिसकी वजह से वो पानी जो है ना, जब बारिश होती है तो पानी ज़्यादा आता है, तुम्हें पता है क्यों जी? जब पानी ज़्यादा आता है तो फिर ये पुल चला जाता है। और मौसम चेक करें जी, वाह वाह सुभान अल्लाह। ये कुछ लोग लगे हुए हैं मेरे ख्याल में लोकल हैं यहाँ के, और ये कुछ रास्ते को ठीक करने की कोशिश तो कर रहे हैं। अब ये हाईएस्ट वाला जा रहा है, देखते हैं क्या सीन है, कितना पानी हो चुका है अभी। पहुंचे हैं जी मेन बाजार खाल, पता नहीं इसको क्या कहते हैं लेकिन लिखा तो यही हुआ कि खाल। इतना तो मलिक साहब और जिया भाई घर में भी नहीं सोते होंगे। ये हम आ गए हैं जी तल की हदूद में, अभी भी 785 किलोमीटर रहते हैं पर हदूद है उसकी। आना हम पहुंच आए हैं जी थल, ओए थल एक मिनट थल ना, थल बाजार आ गए हैं जी। जुनैद लावा दिस इज द थल बाजार। ये जी हलूसिनेशन है, ये एक मफ़्तूज़ है। हाँ थल के लिए निकलते हैं तो थल थल नहीं होता, थल थल नहीं होता, आप चलते रहते हैं और ये बिक गया था। हाँ थादल थादल डोल के बच्चे ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। टाइम हो गया 4:17 और हम थल बाजार पहुंचे हैं। थल सिटी है या आई डोंट नो ये विलेज है, बट काफ़ी सारी शॉप्स हैं, एटीएम वगैरह भी हैं पर बंद था वो। तो अभी हम थल आ गए,
लोकेशन काफ़ी अच्छी है। अभी यहाँ से हम गाड़ियाँ करा के जाएंगे कुमराट, तो मैं भी वहाँ पर खाना खाएं और शायद हो सके कि यहाँ अगर कोई बेहतर होटल हमें मिलता है तो वहाँ पर खाना खा लें। हमारी जीप्स आ गई ने, इस पे हम जाएंगे। मैं लैंड क्रूजर में बैठूंगा क्योंकि ये ज्यादा कंफर्टेबल होती है। क्या जी तैमूर भाई, भाई हमें पहुंचा दे लैंड क्रूजर में, मेहरान में हमें पहुंचा। भाई लैंड करा दे पर भाई मेरे। सुबह का नाश्ता किया था 4:30 बजे, उसके बाद अभी तक खाना नहीं खाया, बहुत भूख लगी है, नींद भी नहीं पूरी हुई। अब अल्लाह खैर खैरियत से कुमराट ले जाए तो हम इस गाड़ी में बैठ के जाएंगे। दो गाड़ियां फिलहाल यही है, बाकी व्यू चेक करें, बहुत ही खूबसूरत व्यू। ये बादल इतने ज़बरदस्त लग रहे हैं ना इस टाइम, रेयर आई से अगर आप इसको देखें तो बहुत ही खूबसूरत है। पता नहीं ये इस खूबसूरती को कैमरा जस्टिफाई कर पाएगा या नहीं। ये देखो मैं ऊपर जा रहा है, क्या अल्लाह है। आज ये जुनैद भाई आ रहे हैं, फुल फौजी टोपी पहने हुए, माशाल्लाह जी फुल एक्टिव हैं, खाना भी नहीं खाया फिर भी एक्टिव हैं जी। पे बैठे ने, अब अल्लाह खैर करिए से हमें ले जाए। आमीन सुम्मा। गाड़ी चल पाई रे, हल्का हल्का सा मैं हूँ कि कुछ ऐसा खटन आ जाए जिससे मैं जी हूँ। ये गाड़ी चल पड़ी है जी, ये देखो ना। लेकिन ये है कि इट्स वेरी थ्रिलिंग, बाइक वाली भी फीलिंग आ रही है। हाँ हाँ मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मौजे आ रहे हैं। गार्डन गार्डन बड़े हैं क्या जी? बस एक मेरा है कि मुंह उस तरफ होना चाहिए ताकि कितार चार है तो नजर आए। खुशहाल है, खुशहाल है। ये मौसम की बारिश, ये नदियाँ किनारा, होए ते कुड़ियाँ लूरियाँ। कल से निकले हैं कुमराट जा रहे हैं, कल नहीं आना प्यार। असी पेट्रोल डीजल पे पुआने ने ऐ देखो, और जुनैद लावा साहब फुल फोटो ले रहे ने। ये रास्ता चेक करें जी, फुल कच्चा, ना कोई रोड ने ते ना कोई मोटरवे, वठे होते फुल दबादब सर्फ जा रही। ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, off-road experience, and we are absolutely loving it. Yaar kya baat hai, bahut hi harani view. Guys, please subscribe our channel and press the bell icon, you know. Dete main khabo mein aa, मैं ख्वाबों में आ जाऊंगा। क्या हूं जी? You serious? अभी हम यहाँ पे गाड़ी पे हवा डलवाने वाले हैं क्योंकि इस चाचे को पेट्रोल भी अभी याद है और हवा डलवाने भी अभी याद है। ये की पकड़िए हूँ, की पकड़िए। Stop it. Get some help. ये देखे मदरसे के चंदे के लिए भागते भागते आया है, बट हमने कुछ नहीं दिया, हमने कुछ नहीं दिया। चल आ गया ने लैटिट्यूडो, लैटिट्यूड होटल। हम आ गए जी अपने होटल लैटिट्यूड रिजॉर्ट में। क्या जी फरहान भाई, कैसा एक्सपीरियंस था जीप में आने का? काफी अच्छा मौसम, फूल पड़ गए हैं। हाँ नीचे बैक साइड पे फूल फूल पड़ गए ने, वॉल खिल रहे ने, पगली गाल तो सब पता है।
तको ना, ये हमारा रूम है जी, ये एक बेड है जी, ये दो सोफे पड़े हुए हैं, बहुत ही प्यारा। ये विंडो है इसकी, इसको मैं खोल के दिखा दूंगा आपको। बस ये व्यू है जी, अच्छा व्यू है माशाल्लाह। सम्राट की जो मैंने पिक्चर में हमेशा देखी है ना, आई ऑलवेज फैसिनेटेड कि मैं यहाँ आऊंगा और मतलब कोई हैमक लगा होगा इधर, अब रात को वो कर देना क्या कहते हैं बॉनफायर। ये जी कुम्हराट का दरिया जो हम अक्सर वीडियोस में देखा करते थे, लेकिन आज हकीकत में देख लिया जी। ए बुट्टो आप क्या करने वाले हैं? मैं इस पत्थर को थोड़ा सा आगे फेंके, इस पे की तरह फेंकूंगा, आप इस तरह क्रिकेट बॉल का शॉट ही लेते हो हवा में। ठीक है ठीक है ठीक है। 1 2 वाओ, वेट वेट वेट, पहले आई गया अभी जुनेद भाई, यू कॉल्ड मी ऑन दिस वन, दिस वाज नॉट गुड। ओके अभी तेरे यही फेंके, खैर आने लगे। 1 2 खूबसूरत जगह है, आप मस्ट विजिट करें, फैमिली के साथ आप यहाँ आ सकते हैं, काफ़ी अच्छे होटल हैं। अभी हम ठहरे हुए हैं जी ये लेटिट्यूड रिजॉर्ट में, और अभी हम वापस जा रहे हैं फ्रेश होने के लिए, उसके बाद इंशाल्लाह खाना पीना करेंगे। दिन का खाना भी नहीं खाया, लेट हो गया, तो अभी खाएंगे इंशाल्लाह, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह सेटिंग करेंगे दोस्तों के साथ, कोई म्यूज़िक वगैरह कभी बस तो बंद करेंगे, क्योंकि एक दोस्त है गिटार शिटार बजा लेता है जुनेद भाई, इंशाल्लाह मनोरंजन का बंदोबस्त भी है। बेट ये है कि यार हम लैटिट्यूड रिजॉर्ट्स 35.5 के मौजूद हैं, और इनकी लोकेशन हमें बहुत पसंद आई, और रूम्स बहुत अच्छे हैं, एवरीथिंग इज़ गुड, और अभी खाने का वेट कर रहे हैं, और उसके बाद आपको खाने का रिव्यू भी देते हैं, और दैट्स इट। यार जाने के बाद अच्छा बदनाम बुरा क्या हो जी, खाना आ गया ने ए तको ना, चिकन कराही विद रायता प्लस वेरी ब्यूटीफुल सैलेड। उनकी दुल्हन बनेगी जिंदगी का जनाजा उठेगा, उधर जिंदगी उनकी दुल्हन बनेगी। वो पर्दे के आगे आए हैं, मैं पर्दे के पीछे, न वो आए आगे न मैं जाऊं पीछे, न मैं जाऊं पीछे, वो आगे बढ़ेंगे तो कुछ भी न होगा, मैं पीछे हटूंगा तो दुनिया हंसेगी। हमको मिल जाएंगे फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे, हम सोचा था टूट टूट टूट, एक दिन जिंदगी इतनी होगी हसीन, झूमेगा आसमां गाएगी ये जमीन, मैंने सोचा न था क्या हूं सुनील मंजन, सुनील मंजन 2.0 ये इसको तो अभी भी टेंशन हुई है, 5 रुपए वाला सुनील मंजन गाना तो नहीं आता कोई, चपेड़े का हाल है, फिर वो अगला ऑप्शन ही यही है। ए कोई काश ये बता दे मकाम ऊंचा है सादगी का, ये कागजी फूल जैसे चेहरे, ये चेहरे गुलशन में जब गए हैं बाहर ही लूट ले गए। वाओ बस ये क्या बात, माइक चेक।
मुझसे आज तेरे में। अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, जिंदगी से कोई शिकवा भी नहीं है। अब तो जिंदा हूँ मैं इस नीले आसमां में। The next day, जी टाइम हुआ जाता है 8:47 का। अभी हम उठे हैं। यहाँ कुम्हराट में दो अपशारे हैं जी, एक है छोटी कुम्हराट अपशार और एक है बड़ी कुम्हराट अपशार। नींद न पूरी होने की वजह से हमने छोटी वाली को कराया मिस। अब हम जाएंगे बड़ी वाली पे, उससे पहले करेंगे नाश्ता। ओके जी रेडी, अभी जाएंगे नाश्ता करने। ए तको मैं तो मेरे संगी एक जुड़ी शर्टा के दिन क्या हूँ जी मलक जी। चलो जी नाश्ता करने। क्या हूँ जी जुनेद भाई, गुड मॉर्निंग। हेलो क्या लेनी है जी? एक मेरे वास्ते तो एक कपड़े वास्ते ठंडी ठार। क्या हूँ जी भी होल्ड करे ना, वाह बड़ी जबरदस्त चली यार। ये जी इन भाई साहब के मुताबिक केपी और शायद है, चेक करें जी। माशाल्लाह लगता तो फिट है यार। और किसी भाई को सलाजीत जरूरत हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें आगाह करें, मैं इधर से लेता हुआ आऊंगा। क्या हूँ जी? चुप, बिल्कुल चुप। ये मसनूई जो है पुल बना हुआ है, उधर हम जाने लगे हैं। उधर हम वो काम करेंगे, काम बहुत जरूरी है हमारा। तो अभी इस जगह हमारी रेस लगने लगी भाई, पुल से जो पहले पार होगा उसको मिलेगा 10,00,000 सब्सक्राइबर। अच्छा हमको सिखा रिया है क्या? हो जी क्या होने जैसा आ गई ना जी फिर। लसानियत का जमाना रहेगा मेरे भाईयो, जुतियां अपनी अपनी भाईयो। क्या हो जी मेरी बात सुनिए, क्या हो जुनेद बाबा? सर आप बोले तो हम तो चुप ही रहेंगे फिर। जब कुछ न कहे तो अच्छा है, ये चुप ही रहे तो अच्छा है। ये चुप है आगे जी अबशार के पास। थोड़ा सा हमें हाइक करना पड़ेगा यहाँ से, और मैं पहली बार कुम्हराट आया हूँ, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो आप विज़िट कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे होटल हट्स टाइप के बने हुए हैं, तो विज़िट कर सकते हैं। और मेरे ख्याल में रीज़नेबल भी हो जाता है अगर आप थोड़ी सी डील अच्छी करते हैं, किसी से डीलिंग अच्छी कर सकते हैं। तो अभी अबशार के लिए गाड़ी हमने यहाँ पर रोकी है, और यहाँ से थोड़ा सा पैदल जाना पड़ेगा, उस सामने ही अबशार है। क्या हो जी भाई जान, पता करा लिया? वाटरफॉल हमने इस तरह से जाना है, आगे आगे कर्नल शेर खान रेस्टोरेंट आएगा। अच्छा लेफ्ट को हाइक करनी है। अच्छा मोस्ट लाइकली पहाड़ की बैक साइड पे। इस पहाड़ की बैक साइड पे ये वाला पहाड़? हाँ जी, और मेरे ख्याल से आप भी व्यू चेक करें। फॉर मी दिस ऑन दिस ट्रिप कुम्हराट दिस इज द बेस्ट। दिस इज कुम्हराट फॉर यू बेबी। वाओ ये बादल चेक कर यार, माशाल्लाह सही लगता है कि दुनिया में कोई जन्नत है। YouTube द पावा स्नेशा हमारे साथ मौजूद हैं। मौजूद तो हैं, और इनसे पूछते हैं
हम बड़ी अबशार पे, इसको बड़ी अबशार कहते हैं गुमराट की, और एक छोटी अबशार, इनके कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, हमें तो ये पता लगा। ये यहाँ का जी लोकल फ्रिज है, ये इन्होंने खुद ही बनाया है, इसकी इंजीनियरिंग इन्होंने खुद ही की है। ठंडा पानी आता है यहाँ से, ये देखें, नहीं 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 शाहजी, दिस काइंड ऑफ वाटरफॉल मैं पहली दफा लाइफ में देख रहा हूँ। यही ना, जैसे लगे स्लो मो में देखी है। Is it too-